हेलो फूड लवर्स, दिस इज अमृता। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडोपैथी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समर की एक और ड्रिंक। ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजीली बन जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं आज शेयर कर रही हूँ आम पना की रेसिपी। आम पना विटामिन से भरपूर है, ये एक हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक है। साथ ही में हम बात करेंगे चीनी के रिप्लेसमेंट की। तो चलिए बनाते हैं समर की टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक आम पना। आम पना बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धुल लिया है और अब हम इनको जो है छील लेंगे। वैसे ट्रेडिशनल तरीका जो होता है उसमें आम को इसी तरीके से खड़ा बॉईल कर लेते हैं, पर हम अपने काम को आसान करने के लिए और समय को बचाने के लिए पहले इसको छिल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तब उबालेंगे। अगर आपके आम में जाली पड़ चुकी है, मतलब उसकी गुठली कड़क हो चुकी है, तो आप इसको डायरेक्टली कुकर में बॉईल करके और फिर इसका छिलका निकाल कर पल्प निकाल सकते हैं आम पना के लिए। मैंने जो है छोटे छोटे आम को टुकड़ों में काट लिया है। मैंने जो कच्चे आम लिए हैं इसकी गुठली बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जो चाकू से आराम से कट रही है, पर गुठली को हम बॉईल करने में नहीं लेंगे, अदरवाइज पन्ना का टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं गुठली को निकाल के अलग रख दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आम पना बनाने के लिए जिस केरी का हम यूज करते हैं वो सफेद भी हो सकती है और हल्की अगर ऑरेंज कलर की है तो वो भी चलेगी, पर उसका टेस्ट खट्टा होना चाहिए। तो लीजिए हमारी केरी कट चुकी है, अब हम इसको बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में हम सारी केरी ले लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, जितना बॉईल करने के लिए जरूरी हो, अराउंड आधा कप पानी मैंने लिया है, लेके इसको डाल के कुकर को सीटी लगा देंगे। मैंने एक सीटी फुल फ्लेम पे ली है, उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए कुक किया और ठंडा होने के बाद कुकर को खोला है। ये देखिए हमारा कच्चा आम कितने अच्छे से पक चुका है। चलिए अब हम इसके आगे का स्टेप करते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंडर में कर लेंगे। मैंने ले लिया है पल्प, अदरक, पुदीना की पत्ती आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, चीनी, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है मैंने, काली मिर्च पाउडर, सौंफ, काला नमक और सादा नमक, और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको पेस्ट बनाने के लिए। तो देखिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब मैं इस पेस्ट को छन्नी से छानने जा रही हूँ। आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो लीजिए सारा पल्प मैंने जो है छन्नी में निकाल लिया। चलिए अब हम आम पना को छान लेते हैं। चम्मच से इस तरीके से घुमाते हुए हम पना को अच्छे से छान लेंगे, जिससे ऊपर कुछ भी पल्प बचे नहीं। हमें केवल खड़े मसालों को ही बचाना है जो ग्राइंड करते समय रह गए हैं। आप चाहिए तो इसे दोबारा ग्राइंड करके पेस्ट में मिला सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अराउंड 125 ml वाटर। 125 ml पानी मैंने ऐड किया। आप इसे बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में रखकर 2 हफ्ते तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं, पर इसे रेफ्रिजरेटर में रखिएगा, बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है। ये आम पना रेडी करते हैं। अपने ग्लास को मैंने 1/4 आम पना से भर लिया है। वैसे आप आम पना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर सकते हैं, पर इससे एक परफेक्ट टेस्ट आता है। मैंने शुगर ऐड किया है और पानी। अब इसको अच्छे से मिलाकर इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे, बट मैं आइस क्यूब बाद में ऐड करूंगी। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगी वेरिएशन की। मैंने डाला है यहाँ पे गुड़,
और फिर से पानी ऐड कर दिया और अच्छे से मिला लिया। आप शुगर की जगह गुड़ भी यूज कर सकते हैं और स्टीविया भी यूज कर सकते हैं। ये डाल दिया मैंने आइस क्यूब्स। लीजिए ठंडा ठंडा हमारा आम पन्ना तैयार है। और आप अगर चीनी या गुड़, स्टीविया कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, नमकीन पीना चाहते हैं, तो आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक और थोड़ा सादा नमक ऐड करिए और इंजॉय करिए नमकीन और मीठा आम पन्ना। अब नमकीन और मीठा आम पन्ना बनाने के लिए अलग अलग पल्प रेडी करने की जरूरत नहीं है, तो इंजॉय करिए समर ड्रिंक। आज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपने पहली बार विजिट किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।